आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अभी आपको एक बीम बता रहा हूँ, इस बीम का अभी कास्टिंग होना बाकी है। इधर इधर बताना एक बार, यहाँ पर बीम में आप देखेंगे अभी अब वाइट कलर का आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एक ब्लॉक यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वास्तव में आपका कवर है। ठीक है, दिस इज़ द कवर। इसकी यदि हम थिकनेस की बात करें तो इस कवर की जो थिकनेस है वो है 25 mm, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग द क्लियर कवर ऑफ 25 mm। उसके बाद ये आपको स्टिरप्स नज़र आ रहा है, और ये आपके है ना, ये आपको स्टिरप्स नज़र आ रहे हैं। इन स्टिरप्स की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखी गई है वो 200 mm रखी गई है, और ये आपके लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आपको इसको हमारे इंडियन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके बताता हूँ। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोलता है कि जब आप बीम की कास्टिंग कर रहे हैं तो बीम के अंदर जो क्लियर कवर हमें कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रोवाइड करना चाहिए 25 mm का। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बकायदा 25 mm का कवर रखा है, जो कि एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लैब यदि होती तो वहाँ पर कम से कम 20 mm रखना होता है, यहाँ पर हमें फिलहाल में बीम में 25 mm रखना है, तो इन्होंने बकायदा 25 mm रखा है। अब यदि हम बात करें स्टिरप्स की, तो यहाँ पर 6 mm का डायमीटर रॉड यूज़ हुआ है स्टिरप्स के लिए, और मिनिमम इंडियन स्टैंडर्ड बोलता ही है कि कम से कम 6 mm का रॉड तो आपको स्टिरप्स में यूज़ करना ही करना चाहिए। एक रूल और है स्टिरप्स के डायमीटर का, कि हमारा जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट है उसके 1/4, आपका जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट है उसके 1/4 से आपका ज़्यादा ही होना चाहिए ये वाला डायमीटर ऑफ स्टिरप्स। चलिए, वो भी बात अपने को यहाँ पर समझ में आती है कि कम से कम 6 mm इन्होंने रखा है। यहाँ पर इसकी जो स्पेसिंग रखी है वो 200 mm रखी है, तो आइए चेक करते हैं कि ये 200 mm की जो स्पेसिंग इन्होंने रखी है स्टिरप्स की, क्या ये सही है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो देखो, जो हम स्टिरप्स की स्पेसिंग कर रहे हैं कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करते हैं 0.75 टाइम्स ऑफ डी के हिसाब से। अब यहाँ पर जो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर बनकर आ रही है, मैं अभी इसको कैलकुलेट किया, तो देखो ग्रॉस डेप्थ हमको कितनी दी है 300 mm, हमारे पास में ग्रॉस डेप्थ कितना है 300 mm। अब इसके अंदर हमारे क्लियर कवर मैंने आपको कितना बताया, 25 mm का क्लियर कवर बता दिया। डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट कितना है 16 mm। जरा इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ग्रॉस डेप्थ थी 300 mm, 25 mm का क्लियर कवर है, और 16 mm का यहाँ पर इन्होंने स्टील का रॉड यूज़ किया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल मेन स्टील रेनफोर्समेंट, तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी आ जाएगी 267 mm। अब इस 267 mm में आप 0.75 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आईएस कोड क्या बोलता है 0.75D, ये आप डाल सकते हैं। तो हमने जब 0.75D कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 200 mm आ गई, 200.25 आई, मतलब इन्होंने यहाँ पर 200 mm ये कैलकुलेट करके डाला है। एक और रिकमेंडेशन है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, तो 200 mm डाला है, दैट इज़ सेफ, नो प्रॉब्लम। तो हमने स्पेसिंग का भी क्राइटेरिया देख लिया कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बकायदा स्टिरप्स को भी सही डाला गया है, स्पेसिंग एकदम परफेक्ट डाली गई है, क्लियर कवर भी एकदम परफेक्ट डाला गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इधर देखिएगा, ये आपका कॉलम का फेस बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा दूर से दिखा देना कि ये आपका कॉलम का फेस बनेगा, और ये आपकी बीम है। अब बीम में कॉलम के फेस से जो पहला स्टिरप्स डला हुआ है ये कम से कम 50 mm की डिस्टेंस पर होना चाहिए, और यहाँ पर मेरे को बकायदा पूरी 50 mm मैंने मेजर भी किया, तो 50 mm की स्पेसिंग पर पहला स्टिरप्स यहाँ पर डला हुआ है। तो ये आपका एक जंक्शन होता है बीम और कॉलम का, जो कि हमेशा एक क्रिटिकल जंक्शन माना जाता है अर्थक्वेक के दौरान। तो आपको प्रॉपर डक्टिलिटी का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन करना होता है, प्रॉपर डक्टाइल डिटेलिंग करना होता है, जिसके लिए हम कोड यूज़ कर सकते हैं IS13920। कौन सा कोड हम यूज़ करेंगे? IS13920। तो ये हमारा कोड होगा जिसके हिसाब से हम स्टिरप्स वगैरह की पूरी और डिटेलिंग देख सकते हैं। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो इन्होंने FE500D यूज़ किया हुआ है, चाहे हम बीम की बात करें, चाहे कॉलम की बात करें, चाहे स्लैब की बात करें, सभी जगह पर जो ग्रेड यूज़ हुई है वो FE500D यूज़ हुई है। मैं अपने लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ कि 500 जो है इसकी मिनिमम गारंटेड यील्ड स्ट्रेंथ है, और जो डी है वो डी बता रहा है कि इसमें हमने एडिशनल परसेंटेज इलोंगेशन दिया है या एडिशनल डक्टिलिटी हमने इम्पार्ट की है। डी आ जाने से हम ये मानते हैं कि FE500 के अंदर जो परसेंटेज इलोंगेशन है, जो परसेंटेज इलोंगेशन है वो 4% बढ़ जाता है लगभग, क्योंकि यदि मेरे पास सिर्फ FE500 होता तो मैं बोलता कि भैया इसमें 12% इलोंगेशन हो सकता है। FE500D आ गया मतलब इसमें 16% इलोंगेशन हो सकता है, और FE500S आ जाता तो मैं बोलता कि यार इसमें 18% तक इलोंगेशन हो सकता है। तो फिलहाल में हमारा जो FE500 जो होता है उससे 4% एक्स्ट्रा इलोंगेशन वाला स्टील यहाँ पर यूज़ हुआ है FE500D, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड TMT स्टील रेनफोर्समेंट बार से ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की और कहानी आपको बताऊँगा। बाय बाय।
टेक केयर।